हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। फ्रेंड्स, जो आज का जो वीडियो है डेकोरेशन का है, कुछ आइडियाज़ हैं दिवाली के लिए, डेकोरेशन के लिए। सो गाइस, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वीडियो, मैं डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपने नहीं देखा है गाइस, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही है कि प्लेट डेकोरेशन का है, थाली डेकोरेशन कह सकते हैं आप। तो गैस, ये दिवाली पर मैं ज़रूर ही मतलब करती हूँ, और बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस तरह से हम डेकोरेट करके कहीं भी रख दें, कॉर्नर पे या फिर सेंटर टेबल पे मैं लगाती हूँ। आप इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं सेंटर टेबल के लिए, और या फिर आप किसी भी अपनी जो भी कॉर्नर टेबल है उस पर भी इस तरह से आप डेकोरेशन करके रख सकते हैं। और अगर आपको फ्लोर पर नहीं बनाना है तो फ्लोर के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस तरह से। सो गाइस, कुछ ये डिजाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने प्लेट में किया है, आप चाहे तो थाली में कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लेट में ही मतलब इजी रहेगा, क्योंकि ऊपर से जो थाली में जो बाउंड्री सी होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जब आप डेकोरेशन करेंगे। तो आप कोई फ्लैट थाली लीजिए या फिर प्लेट लीजिए, तो उसमें अच्छे से ये आएगा। तो यहाँ पर मैंने ली हुई है एक ट्रे, और अब मैं ट्रे में यहाँ पे वाइट मैंने यहाँ पे पेटल्स डाल दी हैं गुलदाउदी फ्लावर्स की, और यहाँ पे मैरीगोल्ड लगा दिए हैं किनारे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रोज़ भी लगा सकते हैं, और डार्क कलर के अगर आप रोज़ लेते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे भी स्पेस हो उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए यहाँ पे कैंडल्स या फिर दीपक। तो गैस देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन है, और अगर आपकी दिवाली पर गैस अगर आप बनाते हैं ये करते हैं तो बहुत ही अच्छे से लुक आता है हमारे घर का। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये जो किसी भी और फेस्टिवल पे भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो बर्थडे डेकोरेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा बर्थडे पे मतलब जब भी बर्थडे होता है, बच्चों का होता है, किसी और का होता है, तो इस तरह से सेंटर टेबल पे आप डेकोरेशन करके रख सकते हैं, और यहाँ पर दीपक लगाएं। ये दीपक बहुत अच्छा होता है, शुभ मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेंटर टेबल को भी डेकोरेशन मतलब डेकोरेट कर सकते हैं, और किसी भी फेस्टिवल पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के डेकोरेशन को बहुत ही अच्छा सा लुक आता है घर का, और गाइस नाइट में तो बहुत खूबसूरत लगता है ये जब भी कैंडल्स या दीपक हम जलाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगेन मैंने एक ट्रे ली हुई है, प्लेट है सॉरी, ये और स्क्वायर शेप में है, तो इसको मैंने यहाँ पर जो रोज़ है उसकी पेटल्स से इसको किनारे किनारे मतलब मैंने सेट कर दिया है। और अब मैं बीच में यहाँ पर अगेन वही गुलदाउदी की फ्लावर्स की पेटल्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से हम इनको अरेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। देखिए, जो पाउडर रंगोली होती है उसको थोड़ा सा टफ रहता है मतलब अरेंज करना, उसको डालना। तो फ्लावर रंगोली में गैस इतना ये सब चीज़ें नहीं मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बस अच्छे से आप उसको अरेंज कर देंगे लाइनिंग से, तो जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। और गैस आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा मतलब लुक आया हुआ है, और चाहें तो आप इसके चारों तरफ और भी फ्लावर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर ऐसे ही फ्लावर और ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। तो गाइस, चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और मैं यहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस। अगर आप मेहंदी और पेंटिंग लवर हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको मेहंदी के, और बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको फैब्रिक और एक्रेलिक पेंटिंग के। तो गाइज, अब मैं अगेन यहाँ पर फ्लोर पर एक रंगोली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बनने वाली है, तो जब भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह की रंगोली ट्राई कर सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, टेम्पल में बना सकते हैं गाइज, या फिर आप डोर पर भी बना सकते हैं, एंट्रेंस पर बना सकते हैं। इसको बहुत ही ईजी मतलब बहुत ईजी रहता है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो गाइज, ये चीज़ बहुत मतलब फ्लावर जो होते हैं डेकोरेशन में मतलब हम यूज़ करते हैं, और इनका लुक जो है बहुत ही सुंदर आता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो बेल आइकन आता है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे वीडियोज़ के। तो अगर आपने अभी तक अगर बेल को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो गाइस, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पर, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपके माइंड में कौन से आइडियाज़ हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा मुझसे। गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते हो और लाइक करना भी भूल जाते हो, और वीडियोस आप देखते हो, तो प्लीज़ जो भी बात हो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा मुझसे कॉमेंट सेक्शन में। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा।
सो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रिएशन के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।